अस्सलामुअलैकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड अभी मैं आप लोगों को पूरे मेकअप में दिख रही हूँ क्योंकि आई वाज जस्ट हेडिंग आउट फॉर सम वर्क। आज व्लॉग थोड़ा सा लेट शुरू हुआ है क्योंकि सुबह कुछ इतना खास था नहीं। मैं उठी थी, फ्रेश वगैरह हुई थी, फिर मैंने बस ग्रीन टी का एक कप पिया था क्योंकि मैं अभी आप लोगों के साथ एक बहुत ही एम्बैरेसिंग क्या मतलब अब मैं क्या करूँ, अब मैं कुछ कर नहीं सकती, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। सो बेसिकली अगर आप लोगों को याद होगा कि जब मैं 30 डेज ऑफ डेली ब्लॉगिंग कर रही थी तब मैंने आप लोगों को एक जगह का बताया था कि एक बहुत अच्छी जगह है, लाइक वन ऑफ माय फेवरेट प्लेसेस टू हैव फूड। एंड उन्होंने मुझे इनवाइट करा था कि आप लोग आएँ और आके हमारी हाई टी को भी ट्राई करें। तो हम जा नहीं सके थे क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी और वो चीज़ आगे होगी, आगे होते होते अब वो चीज़ आई और आज हम लोग वहाँ जा रहे हैं। और मैंने अपने ब्लॉग में बोला था कि अब मैं करूँगी डाइटिंग, मतलब आई जस्ट वॉन्ट टू ईट क्लीन एंड आई वॉन्ट टू ईट घर का खाना एंड आई वॉन्ट टू यू नो जस्ट फील अ लिटिल हेल्दी। इवन दो अब छोड़ो अब क्या कर सकते हैं, अब काम तो काम है, तो आज लास्ट डे है बस। इसके बाद मैं कोई फूड भी आज एक्सेप्ट नहीं करूँगी और मैं कोशिश करूँगी मैं घर का खाना खाऊँ, हेल्दी खाना खाऊँ। तो बस आज ये वाला करते हैं, आपको साथ लेके चलते हैं, आपको भी दिखाती हैं क्या ये वर्थ इट है या नहीं है। सो एक फूड रिव्यू सॉर्ट ऑफ भी हो जाएगा, व्लॉग भी हो जाएगा और उससे पहले हमें एक दो जगहें और भी जानी है तो वहाँ भी चलते हैं। फिलहाल तैयार हो चुकी हूँ, बाल बाल बना दी, कपड़े चेंज करती हूँ, चेंज करके आपसे मिलती हूँ। ओके ओके गाइस, हम लोग निकल रहे हैं। बेटा पता नहीं कौन से वरीशा उसमें फैशन शो में जा रही है, उसके नशे करने के लिए। या एग्जैक्टली, खैर हम लोग निकल रहे हैं, टू हॉट। और माइली जरा लाइट शाइट रख दो। यस बिकॉज ऑफ यू, एवरीथिंग बिकॉज ऑफ हर। खैर मैं तो अंदर खड़ी हूँ, हालात खराब है। खैर अभी हम लोग निकल रहे हैं, विल गो टू डॉक्टर अलीना की क्लिनिक क्योंकि वरीशा को वहाँ पर अपने कुछ काम करवाने हैं। उसके बाद जो है हम जाएंगे अजधानी जो लाइट एंड इट्स एक्सट्रीमली हॉट और मैं पागल हो चुकी हूँ वीडियोस बना के। ओके गाइस, हम लोग निकल गए थे और अब हम लोग पहुँच चुके हैं एंड मैंने फिर भी लाइट रख ली है। अभी हम लोग फर्स्ट डॉक्टर अलीना के क्लिनिक आए हैं, उसके बाद हम जाएंगे थोड़ी सी अपने फेस पे सर्जरीज वगैरह करवाने के लिए हम लोग आ गए हैं। वैसे अपने फिलर्स फ्रेश करवाने आई है, बोटॉक्स वाइटनिंग, मैं तो कुछ भी नहीं करवाती, मैं तो नेचुरल ब्यूटी हूँ। उसके बाद हम लोग राजधानी जाएंगे। वरीशा वाकई फिलर्स लगवाती है, आज मैं एक्सपोज कर रही हूँ वरीशा को। गाइस मुझे ना लिफ्ट से बहुत डर लगता है, मुझे लगता है हम फंस जाएंगे। क्या कर क्या ही पता नहीं, आज ऑब्सेस हुई है वरीशा अपने आप से कि चश्मे ना टूट जाए मेरे, खुद ही वह नज़र लगा दूंगी आप। सो हम लोग क्लिनिक से हो के फ्री भी हो गए, मैंने वहाँ पे कुछ शूट ही नहीं करा बट अब हम लोग जबकि आपने तो बड़ी लंबी बहुत मैंने अपनी जो है ब्यूटी ट्रीटमेंट्स के बारे में, अपने सारे एस्थेटिक्स के बारे में। जस्ट बाय द वे मैं कोई फिलर्स या वाइटनिंग इंजेक्शन के लिए नहीं गई थी, मैं अपना हेयर लेजर उसके लिए मजाक कर दी थी यार। हम लोग सीरियसली हो जाना कहीं वाकई में सबको लगे कि वरीशा, क्योंकि वैसे ही लोग ये समझते मैंने पता नहीं क्या क्या करवाया हुआ, कुछ भी नहीं करवाया हुआ मैंने, सिर्फ हेयर लेजर। हाँ तो वो लेजर के लिए गई थी, बाकी मैं उनसे कुछ एक आधा चीज़ें पूछ रही थी। अब हम लोग जाएंगे राजधानी कि अब वाकई में बहुत धूप भी लग रही है बहुत ज़्यादा, और आपने भी सुबह कुछ भी खाया हुआ ना, मुझे लग रहा है मेरा रोज़ है तो मैंने पानी भी नहीं पिया हुआ। अब हम वहाँ चलते हैं और फिर वहाँ पर जाके मज़े मिलेगा खाना खाते हैं। गाइस तो खाए गए इसके खाए नहीं कि हम लोग राजधानी आ चुके हैं एंड हाई टी ट्राई करने के लिए आए हैं यहाँ पे। आई होप आई एम ऑडिबल, बट अभी ना यहाँ पे सेटअप वगैरह लगाएंगे ताकि लाइट्स ऑन हुए और वीडियो बने। इट्स एन इंस्टाग्राम वीडियो तो यूट्यूब पे थोड़ा बहुत रिव्यू मिल जाएगा आपको, ज़्यादा नहीं। मेरे साथ इतना फ़नी सीन हुआ है कि मैं लिटरली लाइट लेकर आई और यहाँ पर अचानक से सारी लाइटें खुल गई, इधर की लाइटें कभी भी नहीं खुलती थी, आज पता नहीं कैसे खुल गई हैं। मैंने उनको बोला था कि लाइट सेट करने को, तो इतनी सारी लाइट्स खुल गई ना, मुझे लगा कि क्यों लेकर आई फिर अपनी लाइट। जी हमारा सारा खाना है, ओ माई गॉड वरीशा देख के कुछ हो रहा है ना, इडली है हमारे पास पाव भाजी है, मसाला फ्राइज है, पापड़ी चाट है और ये है वड़ा पाव। और अभी हम ये सब खाने वाले हैं। वैसे इडली मैंने ट्राई करी है, बहुत मज़े किया एक्चुअली मैम। ओके तो हमने सारी चीज़ें ट्राई करी हैं एंड एवरीथिंग इज़ वेरी नाइस, मैंने आप लोगों को दिखाई है। तो यहाँ की हाई टी ज़रूर आप ट्राई करिएगा, टी टाइम बहुत अच्छा है।
इंडियन फूड है सारा, जो समथिंग वेरी न्यू एंड वेरी डिफरेंट, तो आप लोग जरूर ट्राई करिएगा। बाकी इंस्टाग्राम पे भी चेकआउट कर लीजिएगा। अभी हम आगे क्या करते हैं आपको बताएंगे। ये क्या मिल गया वरीशा आपको? जो हम कल ढूंढ रहे थे वो हमें यहाँ पे मिल गया, बट हम आज लेकर ही नहीं आए वो ट्राउजर। अरे ऐसा आपको पता है, मेरा दिल कह रहा था कि आपका ट्राउजर पता नहीं क्यों उठा लूं। तो गाइस अभी हम लोग जो है घर जा रहे हैं, और हम लोग बीच में ओशन मॉल भी गए थे क्योंकि हमें वहाँ से कुछ एक दो चीज़ें देखनी थी, और वहाँ पे हमें वरीशा की पैंट्स भी मिली थी जो कि मैंने आप लोगों को दिखाई थी। लेकिन लिटरली आज ही मम्मा जो है घर में ले गई, मेरी गाड़ी मिली थी और घर में ले गई, वरना हम एक्सचेंज करवा लेते, बट अब चलो कोई बात नहीं, आई थिंक आपकी किस्मत में वही पैंट्स हैं तो उसी को एडजस्ट कर लेंगे। अब घर जा रहे हैं, मेरे फ़ोन की तो बैटरी डेड हो चुकी है और मैं कुछ शूट नहीं कर सकी, इसलिए मैं वरीशा के फ़ोन से बस एक क्लिप बना रही हूँ। फिर घर चलते हैं, घर चल के पहुँचते हैं। पिछला ब्लॉग अब तक मेरा अपलोड भी नहीं हुआ है क्योंकि आज मैं पूरा दिन ही बाहर थी। हम लोग घर आ चुके हैं एंड प्लीज़ इग्नोर, मैंने तेल लगाया हुआ क्योंकि मेरे बाल बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं। तो आपसे मिलते हैं अगले ब्लॉग में। ब्लॉग छोटा था लेकिन क्योंकि आज काम थोड़ा ज़्यादा था, तो आपसे मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।